रामसेतु एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले इस पुल को लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग कहानियां हैं। भारत में राम सेतु पर विवाद और राजनीति खूब हुई है। एक बार फिर से राम सेतु राजनीतिक दलों की जंग का खड़ा बन गया है। आज हम इससे जुड़े सारे विवाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले राम सेतु से जुड़े दावों को जान लें। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस सेतु को भगवान राम ने बनाया था। कहते हैं कि जब लंका के राजा रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया था, तो भगवान राम ने वानर सेना की मदद से इस सेतु का निर्माण कराया था। इस सेतु के जरिए पूरी वानर सेना लंका पहुंची थी। अंग्रेज इसे एडम ब्रिज कहते हैं, तो मुसलमानों के अनुसार इसे आदम ने बनवाया था। वैज्ञानिक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते, वे इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं। भारत में राम सेतु को लेकर असली विवाद 2005 में शुरू हुआ। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को हरी झंडी दे दी थी। इस परियोजना के तहत इस सेतु को तोड़कर एक मार्ग तैयार करना था, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाले जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इससे समय, दूरी और ईंधन सब कुछ बचाने का मकसद था। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आपको बता दें कि सेतु समुद्रम परियोजना को वाजपेयी सरकार ने मंजूरी दी गई थी। 2004 में वाजपेयी सरकार ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा था। हालांकि सरकार बदलने के बाद कांग्रेस की ओर से मनमोहन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया, तो बीजेपी ही विरोध में खड़ी हो गई। इसको लेकर 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा गया, वह कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह किसी सुपर पावर ने बनाया होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई सबूत है। कांग्रेस की ओर से दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे वापस लिया और कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। जिसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इस परियोजना को नए विकल्प खोजने के लिए जारी रखा गया था, लेकिन हरियाणा से राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। कार्तिकेय ने राज्यसभा में सवाल करते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई वैज्ञानिक शोध कर रही है? पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं हैं। वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है और अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेरों की पहचान कर पाए हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह पुल का हिस्सा है और उसका अवशेष है। जितेंद्र सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला किया है, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर सरकार के इस जवाब को पोस्ट करते हुए लिखा, सभी भक्त जन कान खोल कर सुन ले और आँख खोल कर देख लो, मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। पवन खेड़ा के अलावा तमाम विपक्षी नेता अब इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की असली सच्चाई सामने आ गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।